सच्ची बात है, बहुत अफसोस हो रहा है, मैं इस तरह नहीं समझता था कि हाफिज नईम रहमान साहब खुद कमिश्नर साहब से बात करते हुए उनको धमकियां देंगे, ये बहुत नामुनासिब बात है। तो ये तो इसी तरह ना कि आप किसी का रिश्ता भेजेंगे तो कोई हाँ या ना करेगा ना भैया, भिजवा ही नहीं रहे और आप क्या सही साहब कल मुराद अली शाह ने जामशोर में कहा है कि मेयर पीपी का जियाला होगा, लेकिन आप कह रहे हैं अगर रिश्ता भेजे तो हम सोच सकते हैं, अगर वो रिश्ता भेज दे तो फार्मूला क्या है, वाला हिसाब कर ले आधा टेन्योर पीपल्स पार्टी आधा टेन्योर जमाई। भाई मेरे, मैंने भी ये कहा कि हमारी ख्वाहिश है कि मेयर पीपल्स पार्टी का हो और उसूली तौर पर होना भी चाहिए, इसलिए कि नंबर हमारे ज्यादा है। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि नहीं हमारा होना चाहिए तो भाई आके हमें कहो तो सही ना। अब ये तो नहीं कहोगे, बात भी नहीं करेंगे, रिश्ता भी दे दो। मुझे सच्ची बात है बहुत अफसोस हो रहा है, मैं इस तरह नहीं समझता था कि हाफिज नईम रहमान साहब खुद कमिश्नर साहब से बात करते हुए उनको धमकियां देंगे, ये बहुत नामुनासिब बात है। आप जिम्मेदार आदमी है, मेयर के उम्मीदवार बनने जा रहे हैं, अपने आप को मेयर आप तसव्वुर कर रहे हैं, आपके अगर एतराजात हैं भी तो मुनासिब रास्ते भी हैं उस एतराजात को उजागर करने के। तो मेरा ये ख्याल है कि इस तरह से सरकारी ऑफिसर्स को, इलेक्शन में काम करने वाले अमले को हिरासा करना, धमकियां देना या रमाल बनाना, ये मुनासिब बात नहीं है। हमारे कुछ लोग कल मेरे पास आए, बहुत गुस्से में थे, बहुत नाराज थे रिकाउंटिंग के हवाले से, लेकिन मैंने उन्हें उकसाया नहीं, मैंने उन्हें तसल्ली दी कि आप उसका हिस्सा बने, और इलेक्शन में हार जीत होती है, अगर आप जीत जाएंगे तो भी ठीक है, अगर हार जाएंगे तब भी ठीक है, कोई मसला नहीं, इलेक्शन का ही हिस्सा है। तो हम अपने उन कारकुनों को जो जज्बाती हो जाते हैं, जो सड़कों पर आने की कोशिश करते हैं, उन्हें समझाते हैं। दूसरी तरफ ये बात कही गई कि सब एहतजाज करें, अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन भी बहुत जो है वो जज्बाती हैं, बहुत नाराज हैं, गुस्से में। वो ये कहते हैं कि अगर ये यरगमाल बना के दबाव डाल के नतज को तब्दील कराना चाहेंगे या रिकाउंटिंग रुकवाना चाहेंगे या रिकाउंटिंग करवाना चाहेंगे मर्जी से, तो ये तो फिर जाहिर है कि सबके लिए आजादी होनी चाहिए, फिर भाई पीटीए के लोग भी निकल आएंगे, फिर पीपल्स पार्टी के लोग भी निकल आएंगे, तो यहाँ एक अजीब सी सूरत हाल हो जाएगी शहर में, जिससे बचना चाहते हैं। आपने कहा कि अभी अगर जमात इस्लामी को मेयर चाहिए तो उनसे आके बात कर, रेडियो पे जो है टीवी पे जो है वो बात ना करे, वहां पे डिमांड ना करे, तो क्या आप आधा तैयार हो गए हैं कि आप उनको लीडरशिप देंगे? और दूसरी बात ये कि रिकाउंटिंग के बाद आपकी पोजीशन क्या है और जमात इस्लामी की पोजीशन क्या है? देखिए, एक तो मैं फिर कह रहा हूँ, हम ये चाहते हैं कि मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, जमात इस्लामी ये चाहती है कि मेयर हाफिज नईम रहमान हो, तो हाफिज नईम रहमान साहब ये चाहते हैं कि हाफिज नईम रहमान साहब मेयर हो। अब अगर ये कि वो कहें कि जी हम भी नहीं मानते, हम कहें हम भी नहीं मानते, फिर बैठ तो भी सकते हैं ना। बहुत सारे जो पेचीदा मसाइल होते हैं वो भी हल हो जाते हैं जब आप बैठते हैं किसी टेबल पर। जब हम बैठेंगे तो हो सकता है कि हम उनको कायल कर लें, या हो सकता है कि हमें कायल कर लें। तो ये तो इसी तरह ना कि आप किसी का रिश्ता भेजेंगे तो कोई हाँ या ना करेगा ना भैया, भिजवा ही नहीं रहे और आप क्या मानते क्यों नहीं हम? तो इसमें ये जो आप कह रहे हैं ऐसा नहीं है, लेकिन कम से कम भाई रिश्ता तो भेजना। एक मिनट मैं देखें, एक तो रिकाउंटिंग का अमल अभी जारी है, मुझे ये पता है कि एक नशिस्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बड़ी कल चनेसल टाउन में, और एक नशिस्त जो वो कह रहे थे औरंगी टाउन में कि जब मैं पीपल्स पार्टी से छीन ली, मेरा ख्याल पीपल्स पार्टी की नहीं, वो पीटीआई की नशिस्त थी। UC6 औरंगी टाउन जो है वो पहली मरतबा जब हुआ था इलेक्शन तो वो पीटीआई जीती थी, और तो रिकाउंटिंग के नतीजे में वो जमात इस्लामी जीती। तो वो मैं देख रहा था, आप भी बड़ी जल्दी में होते हैं, जो इदारा नूर एक्सप्रेस प्रेसिज आती है उस पर चल पड़ते हैं वजह इसके। मुझे सच्ची बात है बहुत अफसोस हो रहा है, मैं इस तरह नहीं समझता था हाफिज नईम रहमान साहब खुद कमिश्नर साहब से बात करते हुए उनको धमकियां देंगे, ये बहुत